नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीआर कोचिंग सेंटर में। इस क्लास में हम लेके आए हैं सेट 191 से 200 तक के सेट। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। देखिए, आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की माता का नाम था फातिमा और पिता का नाम था हैदर अली। मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड से संबंधित है। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना सिटी में एवं मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ई ग्रेड गोबेल थे। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर सी के नायडू थे। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान है। पैम्पेरा जो कि अर्जेंटीना देश की स्थानीय पवन है। लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। चीन की खोज मार्को पोलो जो कि इटली से थे, उन्होंने 1272 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेट 192 की। केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। ब्यूनस आयरस जो कि अर्जेंटीना, लापलाटा नदी के किनारे स्थित है। भारत के दक्षिणतम हिस्से की विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर राज्य का थाडबाल जो कि 507 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया है। मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी लूना नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त यानी कि वहां पर खत्म हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर की है। वर्ष 2006 में अमृतसर जो कि पंजाब में है व सहरसा बिहार में है के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ था। पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया है। यानी कि आपने कई बार देखा है बहुत से पैकेजिंग पर ISO 9001 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पवन हंस ऐसी कंपनी है जिसको ISO 9002 का प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट 193 की। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हमारा है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत में कुल जनसंख्या के हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, सिख 1.8% एवं ईसाई 2.4% का योगदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम तीन राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। वाव अलमंडल जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को ही दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देशीय आयात का सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम है, यानी कि सबसे बड़े आयात है जो पेट्रोलियम का होता है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल हैं। मोटरगाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मोटरगाड़ी उद्योग है उसको विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। सेट 194 की बात करते हैं तो
विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारत में नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मैराथन का युद्ध, जो कि 490 ईस्वी पूर्व यूनानियों और ईरानियों के बीच में हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। पित्त आतंक के नाम से जापान देश को पुकारा जाता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेट 195 की। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था स्वर्ग की पहाड़ी। शीशे का प्रथम उद्योग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। विश्व प्रसिद्ध गीजे की पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुई थी। सर्वप्रथम सर फ्लैंडर्स पेटी ने ममी की खोज की थी, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज में सर्जन्स में रखी हुई है। यूनान का स्वर्ण युग पेरिक्लीज के शासनकाल को माना जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु का जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ था। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। दी फॉल ऑफ मैन माइकल एंजलो की प्रमुख कृति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि 1789 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। साइट 196 की बात करते हैं तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वाल्टेयर ने की थी। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, चेका का संगठन लेनिन ने किया था। नीली कमीज यानी कि ब्लू शर्ट नाम आतंकवादी दल का गठन चियांग कोई शेक ने किया था। लुजान की संधि 1923 में तुर्की एवं यूनान के मध्य में हुई थी। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। डेल्टा झील कोलेरू गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच में स्थित है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1979 में किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। सफेद कोयला की उपमा जल विद्युत को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेट 197 की। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। विश्व की झील के अंदर स्थित झील मिंटो झील है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा है। कोलंबिया के कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। पाकिस्तान के समुद्री तट को भौगोलिक नाम मकरान तट है। नेक्स्ट है, रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। भारत के तीन प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। वैतरणी नदी उड़ीसा से निकलती है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। विश्व का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेट 198 में
कांगो नदी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंगे पी एस व एल होती हैं। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद जो कि बीडियर मोर अंटार्कटिका में है। यू आकार की घाटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक नीदरलैंड जो कि हॉलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नोरू है। जुड़वा खनिज यानी कि जिंक और सीसा को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज जो कि बोलीविया की राजधानी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। लिबर्ड द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लम्बरजैक कहा जाता है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओ आहु द्वीप पर स्थित है। चीन का नानकिंग शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइट 199 की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर 12वें टाइम जोन को बांटती है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया यानी कि 24 घंटों में बांटा गया है। सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था जिसका नाम लाल इमली था। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में आम चुनाव के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फल्ड कार्यक्रम चलाया था। मत्स्य उत्पादन का भारत में जो कि तीसरा स्थान है। कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। आज का लास्ट सेट की बात करते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज प्राचीन जो कि मोड़दार पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है यानी कि अरावली पर्वत है जो संसार का सबसे पुराना जो कि वलित पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत का निर्माण जो कि प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। रेगुन मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन जो कि अश्वक से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। संसार की सर्वोच्च नौकाय झील बोलीविया का टिटिकाका झील है। पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम इसका शाहिदी पर्वत है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। जैसमंद और राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन का ग्लेशियर है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य जो कि पंजाब गुजरात और राजस्थान है। और लास्ट क्वेश्चन है असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। और लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही। जो उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है उन सभी का थैंक यू। तो चलिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।